हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर फिजिक्स क्लास. एंड फ्रॉम दिस लेक्चर वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर. इट इज़ द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, हम फ्लूइड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 11, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11th अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस. और उसके सारे एनसीईआरटी के सॉल्व और अनसॉल्व न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं. तो आपको एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है. इफ़ यू वांट टू गेट मोर कॉन्सेप्ट, इफ़ यू वांट टू बूस्ट योर कॉन्सेप्ट फॉर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 10.1. उसमें गिवन है, सबसे पहले हमको प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा. व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रेशर, प्रेशर का मतलब क्या होता है. प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. और इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल. ओके, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहो या फिर पास्कल कहो. हमको ये बात याद रखना है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल होता है. ओके, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल होता है. और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं. 2 थाई बोन्स, ओके, ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सपोर्टेड द अपर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑफ मास 40 kg. एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाई फीमर. ओके, कितना वो बोन एवरेज प्रेशर सस्टेन करेगी. तो यहाँ पर अगर हम एरिया की बात करें तो एक का एरिया हमारे पास में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि 2 थाई बोन है हमारे पास. 2 नहीं माइनस 4 मीटर स्क्वायर, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग दिस सेंटीमीटर इंटू मीटर स्क्वायर. ओके, एंड फोर्स विच इज इक्वल टू वेट mg, so 40 × 10 newton. So this pressure P is equal to force upon area, the normal force upon area, that is 400 divided by 2 × 10 × 10⁻⁴. तो ये 400 को 200 टाइम कैंसिल करेगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल. यहाँ पर 20 × 10⁴ पास्कल आंसर आता है. मतलब प्रेशर पी इज इक्वल टू 2 × 10⁵ पास्कल. ओके, दैट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 10.2.